नमस्कार। पोल्ट्री इंडिया टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज एक बहुत साधारण सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर हमसे पूछ रहे थे, वो ये जानना चाहते हैं कि कितने बड़े फार्म पे कितना बर्ड डालें। ये बहुत साधारण सा विषय है, लेकिन फिर भी हम इस पर वीडियो डाल रहे हैं। जो लोग नहीं जानते वो भी इस बारे में जान जाएंगे। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आइकन आता है, आप इसको दबा दें, ताकि रोज के पोल्ट्री के रेट, चिक्स के रेट, फीड के रेट और पोल्ट्री से जुड़ी हुई हिंदुस्तान की सभी जानकारियां आपको मिलती रहें। दोस्तों, मैं आपको एक सीधा फार्मूला दे देता हूँ। सबसे पहले आप अपने पोल्ट्री फार्म की लंबाई और चौड़ाई फुट में लिख लें। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपका पोल्ट्री फार्म 100 फुट लंबा है और 20 फुट चौड़ा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप 100 गुना 20 करेंगे वो हुआ 2000। तो आप पोल्ट्री फार्म पे लगभग 2000 बर्ड, ब्रॉयलर बर्ड डाल सकते हैं। अगर आपका फार्म 100 गुना 30 है तो 3000 हुआ, तो आप वहां पर 3000 बर्ड डाल सकते हैं। अब बर्ड आपका पहले दिन आ रहा है, मतलब जो चूजा ब्रॉयलर का आपके पोल्ट्री फार्म पर आ रहा है, तो आप उसका चौथा हिस्सा कर लीजिए। मतलब अगर 2000 बर्ड का आपका पोल्ट्री फार्म है, लंबाई और चौड़ाई को गुना करने के बाद जितने स्क्वायर फीट बनते हैं, तो उसको 4 से भाग कर दीजिए, वो आपके पोल्ट्री फार्म के छोटे चूजे की जगह बन गई। लेकिन ये ध्यान रखिए, उनकी जगह को धीरे धीरे आप बढ़ाते रहिए। पहले दिन जितने खुले वो महसूस हो रहे थे आपको, उस हिसाब से आप उनकी जगह 7वें दिन, फिर 15वें दिन, फिर उसके बाद 20वें दिन, ये आप इस तरह से आप देखते रहिए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने पोल्ट्री फार्म के सारे बर्ड को मोटा करके बेचना चाहते हैं, तो ये फार्मूला थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। अगर आपके पोल्ट्री फार्म पे 2000 बर्ड की जगह बनी, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, तब आपने क्या करना है, तब इस फार्मूले को थोड़ा चेंज कर लीजिए। तब आपने लंबाई और चौड़ाई को गुना करना है। लंबाई है मान लीजिए 100 फुट, चौड़ाई है 20 फुट, तो आप 100 गुना 20 हुआ 2000, तो आप इसको डिवाइड करिए 1.3 से, और जो सामने आए उतने बर्ड डालिए। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मियों में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, मई में अगर आप बर्ड डालने वाले हैं, हिंदुस्तान के जो नॉर्थ एरिया है जहाँ पे गर्मी बेतहाशा पड़ती है, वहाँ पर आपने इसको 1.5 से डिवाइड कर देना है। मतलब 100 फुट का अगर उदाहरण है, ये 100 फुट का अगर लंबा फार्म है, गुना 20 तो हुआ 2000 भाग 1.5, तो उतने बर्ड डाली। लेकिन अगर आपकी मंशा बीच में कुछ तंदूरी निकालने की है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लंबाई और चौड़ाई को गुना करना है, वो जितनी इक्वल आए उतने बर्ड डाल दीजिए। 2000 स्क्वायर फीट का फार्म है तो 2000 बर्ड आप ब्रॉयलर बर्ड डाल सकते हैं। इसमें कोई भी शंका मत रखिए, यह बहुत साधारण फार्मूला है। दोस्तों, हम आपके लिए पोल्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस लाते रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल की वीडियोस अगर आपके काम की नहीं भी हैं, तो आप किसी पोल्ट्री फार्मर या पोल्ट्री की दुकान वाले से जरूर शेयर करें, ताकि उनको पोल्ट्री के रेट मिलते रहें। और ये जो 4 वीडियो आपको डिस्प्ले हो रही हैं, इनको आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मत भूलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी हम चेंज करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।